दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय वर्मा ज्वेलर्स शाहपुर। वन मंत्री राकेश पठानिया रविवार को एक दिवसीय जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कला नगरी अंद्रेटा में वन विभाग के विश्राम गृह के भवन का नींव पत्थर रखा। इस निर्माण पर 50 लाख रुपए की लागत आएगी। इस दौरान मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि विधायक रविंद्र धीमान की जो भी मांग हो पूरी की जाएगी। इससे पहले मंत्री ने शोभा सिंह आर्ट गैलरी को भी निहारा। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि पंचरुखी में जल्द ही टैक्सी स्टैंड बनाया जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंचरुखी से उपेंद्र कटोच की रिपोर्ट। वर्मा ज्वेलर्स आपका गहना है आपकी पहचान, तो खरीदिए अपना गहना शाहपुर के सबसे भरोसेमंद ज्वेलर्स। जी हाँ, वर्मा ज्वेलर्स शाहपुर में। वर्मा ज्वेलर्स हैं शाहपुर के सबसे पुराने व भरोसेमंद ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेगी हर तरह की ज्वेलरी और आप अपनी ज्वेलरी अपनी पसंद से ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। वर्मा ज्वेलर शोरूम में आप पाएंगे गहनों की सबसे अत्यधिक वैरायटी, वो भी लेटेस्ट डिजाइन्स के साथ। हमारे यहाँ आप हिमाचल की ट्रेडिशनल ज्वेलरी से लेकर हर तरह की फैशनेबल ज्वेलरी की भी काफी वैरायटी पाएंगे। साथ ही वर्मा ज्वेलर्स आपको देता है शुद्धता की भी गारंटी। हमारे यहाँ आपको हॉलमार्क की ही ज्वेलरी दी जाती है। साथ ही आपको मिलेगी इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी। तो अपने गहने की शुद्धता को लेकर आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आइए अपनी खूबसूरती को लगाइए चार चांद वर्मा ज्वेलर्स के साथ। एक और खास बात, कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में भी हमारा हमारे ग्राहकों के साथ रिश्ता ऐसा ही बना रहे, उसके लिए सबकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वर्मा ज्वेलर्स में बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जा रही है। इसीलिए अपना मास्क पहनकर ही आएं। वर्मा ज्वेलर्स शोरूम में एंट्री पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि कोई भी कोरोना संदिग्ध अंदर प्रवेश ना कर सके। आपके हाथों को भी अच्छे से एंट्री पर ही सैनिटाइज करवाया जा रहा है ताकि हम दे सके अपने ग्राहकों को सेफ एनवायरमेंट।